असली खतरों के खिलाड़ी तो ये भाई साहब है, किस तरीके से स्टंट कर रहे झूले पे। आज 15 अगस्त का दिन है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है सारस बाग में। अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा व्यूज़ दिखेगा, बहुत बड़ा सारस बाग है अंदर से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं सारस बाग। यहाँ से सारस बाग लेफ्ट साइड में है और जो ये ब्रिज है इसके नीचे स्वारगेट बस स्टॉप है और उसके ऊपर ब्रिज है, और ब्रिज के लेफ्ट साइड से सीधा आगे जाएंगे हम तो सामने की तरफ हमें सारस बाग दिखेगा। तो ये स्वारगेट बस स्टॉप से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और ये देखिए हम पहुंच गए सारस बाग। यहाँ से भी एक एंट्री है, ये सारस बाग है, इसके राइट साइड से पास में एंट्री है, इसके दो गेट है मेन, एक इस तरफ से एंट्री है तो हम जाएंगे दूसरी तरफ से। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके 50 मीटर लेफ्ट साइड में अंदर जाना है। यहाँ से अंदर पूरा फूड स्टॉल वगैरह सारे लगे हुए। आज 15 अगस्त का दिन था तो बहुत ज़्यादा क्राउड है शाम का टाइम में, इवनिंग टाइम में। ये दोनों तरफ फूड स्टॉल है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं आज। चलो चलते, आपको पूरा सारस बाग का व्यूज़ दिखा दे। इधर आपको पूरे फूड स्टॉल दिखेंगे जहाँ आपको पूरे अलग अलग आइटम खाने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा पूरे लाइन से फूड स्टॉल लगे हुए। और एक तरफ पूरे झूले वूले हैं और बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले, पूरा मतलब एक तरह से गेम जोन बना हुआ है पूरा। और ये चीज़ आपने खाई है क्या गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताओ। चलो अभी चलते अंदर। ये है सारस बाग का मेन गेट, एक इस तरफ मार्केट की तरफ से गेट है और एक जो मैंने पहले बताया जहाँ पे वो सारस बाग लिखा हुआ था उस तरफ से मेन एंट्री, ब्रिज से सीधा नीचे आते टाइम। और एक ये दूसरा गेट है तो यहाँ से हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से आते ही अंदर से आपको कुछ ऐसा व्यूज़ दिखेगा। ये देखिए सारस बाग स्वारगेट बस स्टॉप से 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ब्रिज से आप सीधा नीचे उतरते ही सामने की तरफ, और इसका टाइमिंग है सुबह 6 से 11 और शाम को 4 से 8:30 बजे तक का। तो इस टाइम पे आप आ सकते हो इधर घूमने। और यहाँ पे देखिए ये है 700 मीटर का ट्रैक है, इधर पूरे गार्डन के चारों तरफ ट्रैक बना हुआ है। आप इस तरफ से जाओगे और ये राइट साइड से निकलोगे, मतलब चारों तरफ बहुत बड़ा गार्डन है ये पूरा, 700 मीटर ट्रैक बना हुआ है और इसके अंदर पूरे ये गार्डन बने हुए हैं। तो शाम के टाइम में तो पूरी पब्लिक आती है, पूरे फैमिलीज आती है घूमने के लिए। और आज तो 15 अगस्त का दिन है तो आज तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, बच्चों के हाथ में तिरंगा। और ये देखिए बच्चों के लिए, किड्स के लिए यहाँ पे झूले वगैरह है, पूरा गार्डन बना हुआ है। ये पूरा फैमिली, यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है। और जो आपको वो जो ट्रैक दिखाया मैंने 700 मीटर का, अगर आप उस ट्रैक के चारों तरफ घूमोगे तो वहाँ पर आपको सारे कपल दिखेंगे, बट ये जो बीच में जो गार्डन है यहाँ पे आपको सारी फैमिलीज दिखेगी। तो आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। चलो चलते हैं, आपको आगे का व्यूज़ दिखा दें। बारिश का मौसम तो हो ही रहा है मस्त, ये पूरा फैमिली गार्डन बोल सकते हो आप, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं अंदर। चलो गाइज अभी चलते हैं आगे। और यहाँ पे एक गणपति जी का मंदिर भी है, अंदर बहुत बड़ा मंदिर है। और मंदिर के चारों तरफ इस तरीके से पानी भरा हुआ है और ये पानी के अंदर कमल के फूल अभी तो नहीं लगे हुए, बट ये सारे कमल के पौधे ही है अंदर। तो यहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं, ये देखिए ये कमल के फूल की है। मंदिर के अंदर जाने के लिए दोनों तरफ छोटे छोटे ब्रिज बने हुए हैं तो वहाँ से आप अंदर जा सकते हो। तो ये है श्री सिद्धि विनायक मंदिर। चलो चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर, आपको अंदर मंदिर गणपति जी के दर्शन करवाते। दोस्तों ये गणपति का मंदिर पुणे शहर में सबसे पुराना है और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। सारस बाग गणपति मंदिर का निर्माण 1784 में श्रीमंत सवाई माधवराव पेशवा द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों मंदिर का इतिहास इससे पहले का है, जब श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने पार्वती पहाड़ियों के आधार पर एक झील का निर्माण आदेश दिया था। झील तैयार होने के बाद श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने इसका नाम सारस बाग रखा था और बगीचे के लिए केंद्र में एक द्वीप रखा। माधवराव पेशवा ने बाद में बगीचे में सारस बाग गणपति मंदिर का निर्माण कराया, इसे तल्य तला गणपति के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है झील के गणपति, क्योंकि यह झील के केंद्र में स्थित था। मंदिर का रखरखाव वर्तमान में श्री देव देवेश्वर संस्थान पार्वती कोथरूड द्वारा किया जाता है। मंदिर के मुख्य अभ्यारण्य में एक छोटी सी उत्तम सिद्धि विनायक गजानन की मूर्ति है, जो हर दिन एक ही समय पर 21 दिन तक पूजा करने पर भक्तों की इच्छा पूरी करती है। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह संख्या तब बढ़ जाती है जब मंदिर में गणेश चतुर्थी और उल्लेखनीय छुट्टियां मनाई जाती है।
जैसे आज 15 अगस्त है तो आज क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो गाइज हमने मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगा दी है और यहाँ पे हैशटैग सारसबाग ज़रूर यूज़ करें इंस्टाग्राम पे और टैग करें सारसबाग को। ये सारसबाग की दो एंट्री है, एक यहाँ से है सारसबाग, जैसे ही आप ब्रिज से स्वारगेट की तरफ से सीधा सारसबाग की तरफ आओगे तो ब्रिज से नीचे उतरते ही एक यहाँ से एंट्री है जहाँ से अभी मैंने दिखाया ये वाली एंट्री, इस तरफ से आप अंदर आओगे ठीक है। और ये सामने की तरफ मंदिर है और अभी इस तरफ से लेफ्ट साइड से भी पूरा गार्डन है जो उस तरफ घूम के जाएगा जिस तरफ से हमने अभी एंट्री की है। ये देखिए ये वाला मंदिर है, मंदिर के दो दरवाजे, एक तो अभी जिस जहाँ से हमने एंट्री की और दूसरा ये मेन है, ये मेन गेट है मंदिर का। और मंदिर के चारों तरफ ऐसे पानी भरा है और यहाँ पे देखिए मंदिर के साइड में ही ये फाउंटेन लगा हुआ है जो नाइट में चालू होता है, मस्त व्यूज़ दिखता है इसका। बारिश के दिनों में तो आप ज़रूर यहाँ पे आओ घूमने के लिए, बहुत अच्छा व्यूज़ दिखता है शाम के टाइम में। पूरी फैमिली आ रखी है, मंदिर के चारों तरफ पानी भरा है और पानी के अंदर पूरे कमल के पौधे लगे हुए हैं। कमल का फूल तो अभी नहीं खिला हुआ है अंदर, बट एक बार लास्ट टाइम आया था तब मैंने देखा था, बहुत अच्छा दिख रहा था अंदर से। और ये देखिए दूसरा गार्डन, यहाँ पे भी पूरी फैमिली है अंदर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े तीन चार गार्डन है अंदर। यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे अंदर गार्डन के अंदर गए हम, यहाँ पे छोटे छोटे फूल लगे हुए थे तो यहाँ पे ज़रा हमने पिक वगैरह ले लिए मस्त। यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे बड़े सब खेल रहे फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ तो खेलना ही पड़ता है। और ये देखिए मंदिर के जस्ट सामने आपको पूरी बैठने की व्यवस्था है, अगर बारिश वारिश आई तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। और ये सामने की तरफ मंदिर, अभी चलते हैं हम बाहर और थोड़ा बहुत आपको बाहर का व्यूज़ दिखा देते हैं, बाहर कैसा माहौल चल रहा है। और गाइस यहाँ पे देखिए वड़ा पाव, भेलपूरी, पानी पूरी, कच्ची दाबेली और बहुत कुछ आइटम खाने के लिए आपको मिल ही जाएंगे, मस्त आप ज़रूर ट्राई करना यहाँ पे खाने के लिए। सारसबाग के अंदर गाइस कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है अंदर एंट्री के, बिल्कुल फ्री है, आप आ सकते हो बिल्कुल फ्री। अभी तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई है, 6 बजे का टाइम है अभी और सारे लोग फैमिली के साथ में आए, सब लोग इंडिपेंडेंस डे मना के सुबह सुबह शाम को इवनिंग को यहाँ सारसबाग घूमने आ गए। यहाँ पर खासकर बच्चों के लिए झूले वूले बहुत है छोटे छोटे, तो अगर आप बच्चों के लिए आप कोई अच्छी जगह देख रहे हो घूमने के लिए पुणे में तो ये जगह सबसे बेस्ट है, आप एक बार बच्चों के साथ ज़रूर विज़िट करो। और यहाँ पे बग्गी भी है, बग्गी की आप सवारी कर सकते हो। और ये भाई साहब देखिए यहाँ पे अलग तरह के स्टैंड दिखा रहे हैं, ओरिजिनल खतरों के खिलाड़ी तो ये हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने मिल रहे हैं। लगभग यहाँ पे सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए ही है झूले। अभी गणपति भी आने वाले हैं तो पास में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, ढोल वोल की तैयारी प्रैक्टिस चल रही है जोर से। तो गाइज़ ये था सारसबाग, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।